बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बहुत ही चटपट सी मज़ेदार सी चिकन बोनलेस हांडी बनाना बताएंगे, जो कि बहुत ही कम वक्त में जो है ये रेडी हो जाएगी। तो आपने हमारी वीडियो को कंप्लीट देखना है। चिकन बोनलेस हांडी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पतीले के अंदर 1 कप के करीब तेल डालेंगे। तेल को हम गर्म करेंगे और जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम बोनलेस चिकन डाल देंगे। 1/2 किलो हमने चिकन ली है बोनलेस, और ये सारे चिकन हम डाल देंगे ऑयल के अंदर, और चिकन का कलर चेंज हो जाने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। चिकन को फ्राई करने के दौरान हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे, और साथ ही हम इसके अंदर हरी मिर्चें भी डाल देंगे। 2 अदद हमने हरी मिर्चें ली हैं और इसे हमने काट कर डाल दिया है। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर आपको हरी मिर्चों का फ्लेवर पसंद है तो आप इसे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और हरी मिर्चें डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर 3 अदद दरमियाने साइज़ के स्लाइसिस में कटे हुए टमाटर डाल देंगे। इसके हमने छिलके उतार कर काट लिए। टमाटर डालकर हम ढककर 10 से 15 मिनट हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि चिकन हमारा कुक हो जाए और टमाटर भी जो है वो सॉफ्ट हो जाए। चिकन को हमने हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए पका लिया है। टमाटर भी गल गए थे तो हमने इसे मैश कर लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। चिकन को भूनने के दौरान हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे, जिनमें 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया है। बहुत ज़्यादा हमने बारीक नहीं पीसा है, मोटा कुटा हुआ है। और कुटा हुआ ज़ीरा है, ये भी 1 खाने का चम्मच है। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी है और 1 चाय का चम्मच नमक है। कुटी हुई लाल मिर्च भी आप अपने हिसाब से डाल लें, जितना आपको जो है वो मिर्चें पसंद हो। और ये सारे जो मसाले हैं हम चिकन के अंदर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और चिकन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि इसमें से जो है तेल है वो लहदा ना हो जाए। चिकन को हमने अच्छी तरह से भून लिया है, तेल भी रहता हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1/2 कप के करीब पानी डालेंगे और मिक्स करके ढककर हम 5 मिनट इसे मज़ीद पकाएंगे, और उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो चिकन बोनलेस हांडी हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही कम वक्त में कम इंग्रेडिएंट से तैयार हो जाती है। तो इसे लाजमी ट्राई करें, और रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाजमी लाइक करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।